अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए 2:30 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 2:30 बजे टाइम इसलिए मेंशन कर देता हूँ क्योंकि फिर मॉडल्स में जो होती है ना वो चेंजिंग आ रही होती है। फिर आप लोग कमेंट्स करते हो कि सर हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हुई, या हमारे यहाँ बारिश हो रही थी या हो गई थी, तो इसलिए जो है मैंने आप लोगों को जो है टाइम इसलिए वीडियो का मेंशन करता हूँ। तो आज की वीडियो में जो बात करूंगा पाकिस्तान में आने वाले दिनों के मौसम में किस तरह आप लोग जो है मौसम देख सकते हो ओवरऑल पाकिस्तान में। इसके अलावा जो है बे बंगाल यानी कि खलीज बंगाल में जो है आने वाले दिनों में एक हवा का कम दबाव तश्कील पाएगा, तो उसका ट्रैक आप लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जो मौसम रहा ओवरऑल पाकिस्तान में कैसा था। तो देखें ओवरऑल पाकिस्तान में रेन एक्टिविटी देखने को मिली है कश्मीर से लेके गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के पीके के इलाके, इसके अलावा जो है पंजाब के बलाई वस्ती, पंजाब के इलाके, इस्लामाबाद के इलाके, जुनूब मशरकी बलूचिस्तान के इलाके, यहाँ पे जो है रेन एक्टिविटी हुई है। सबसे ज्यादा तेज बारिश जो हुई है वो स्पेशली बलूचिस्तान के एरिया में देखने को मिली है, और मिलीमीटर के लिहाज से आप लोगों को गाइड करूँ तो कश्मीर में जो थी मुजफ्फराबाद में सिटी के ऊपर 79 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड हुई। तो सुबह तक का जो डेटा था उसमें जो मेंशन था कराची के कॉन्टेक्स्ट में 24 आवर्स रेन के कॉन्टेक्स्ट में, तो ओवरऑल आप लोग देखें तो काफ़ी अच्छी कराची भर में जो है बारिश हुई है। और आज सुबह भी जो है कराची में पाकिस्तानी शावर देखने को मिली, तो गडाप के ऊपर 57 मिलीमीटर बारिश हुई, औरंगी टाउन में 36, शरजानी में 28, नॉर्थ नाजमाबाद में 21, गुलशन में मैमार 17, नाजमाबाद 16, मसरूर बेस 14, कायदाबाद 13, बिन कासिम 13, खेमाड़ी 11, फैसल बेस 10, जिना टर्मिनल 7, कोरंगी 6, MOS 5, यूनिवर्सिटी रोड 5 और DHA में 1 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। तो कराची की जो अभी करंट कंडीशन है तकरीबन 2:30 बजे के करीब टेम्परेचर जो है 35 से 36 ही है, लेकिन ह्यूमिडिटी जो है वो 70% ही है। ह्यूमिडिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है कराची के कॉन्टेक्स्ट में। बात करते हैं कि अगस्त का महीना किस तरह का रह सकता है, और उससे पहले आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूं कि जो नेक्स्ट 24 आवर्स हैं खासतौर पे अगले 24 घंटों के दौरान, तो करंट जो थी 2:30 बजे के करीब जो मैंने सैटेलाइट इमेज चेक चेक की थी उसमें पंजाब के बलाई पंजाब में लाहौर वगैरह में जो थे थंडर सेल मौजूद थे, इसी तरह देहरा बुगती की तरफ और कोई खेतर से रिलेटेड पहाड़ी इलाकों में फुजदार वगैरह में जो थे बलूचिस्तान वगैरह पे जो थे थंडर क्लाउड्स दिख रहे थे। जबकि जो बादल थे खासतौर पे जो सिस्टम जो बना हुआ था सिंध वगैरह में जो बारिश कर रहा था वो डीप सी यानी कि अरेबियन सी के ऊपर दाखिल हो गया है, काफी हद तक जो है वो कोस्टल एरिया से काफी अवे हो गया यानी कि दूर है। अब बात करते हैं अगस्त के महीने के बारे में। देखिए अगस्त का महीने के अगर आप लोग 4 साल का डेटा आप लोगों के साथ शेयर किया मैंने, तो अगस्त के महीने में ओवरऑल पाकिस्तान में 56 मिलीमीटर की बारिश होती है, पंजाब में 93 मिलीमीटर की, सिंध में 53, बलूचिस्तान में 22, KPK में 103, GB में 17 और कराची में 60 मिलीमीटर की बारिश होती है। इसको अगर आप लोग कंपैरिजन करें 2020, इसके अलावा जो है खास तौर पे 2021 और 2022 और 2023, तो आपको देखें वेरिएशन इस तरह देखने को मिलेगी कि एक साल जो है काफी ज्यादा बारिश हो रही है, यानी कि 2020 में अगस्त के महीने में 2020 में ओवरऑल पाकिस्तान में काफी हैवी रेनफॉल थी, इसी तरह 2022 में पाकिस्तान में ओवरऑल काफी हैवी रेनफॉल थी, लेकिन 2021 के अंदर आप लोग देखें तो कम ब्लो एवरेज रेनफॉल थी, और इसी तरह आप लोग 2023 के ऊपर देखें कराची के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लोग देखें खास तौर पर 60 मिलीमीटर की जो बारिश जो है नॉर्मली अगस्त में होती है, जबकि 2020 में 366 मिलीमीटर काफी ज्यादा बारिश है, मतलब नॉर्मल से आप लोग देख सकते हैं कितनी ज्यादा है। इसी तरह 2022 में जो थी वो आप लोग देख सकते हो 127 मिलीमीटर की बारिश हुई, जबकि 2020 का साल देखा हो तो आप लोग 2020 के ऊपर जो थी कराची के ऊपर 0 मिलीमीटर की बारिश, और इसी तरह जो है 2023 के ऊपर 0 मिलीमीटर की बारिश। तो ये शेयर करने का मकसद है कि ऑल्टरनेट डेज के ऊपर चलना है, यानी कि 2020 2022 में हैवी रेनफॉल, 2021 में ब्लो रेनफॉल 21 और 2023 में। अब सवाल है ये है कि 2024 में क्या हमें ज्यादा रेन देखने को मिल सकती है, ये जो है एक क्वेश्चन मार्क है। तो लास्ट टाइम मैंने जो आप लोगों से एक मॉडल शेयर किया था ECMWF का सीजनल मॉडल, इसका जो करंट मॉडल आएगा वो 4 अगस्त के ऊपर आएगा, तो ये मॉडल आप लोग संभाल कर रखें, इसको उससे कंपैरिजन करेंगे जो कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था मानसून स्टार्ट होने से पहले, तो ओवरऑल पाकिस्तान में जो है रेन एक्टिविटी शो कर रहा था
सिवाय खासतौर पे उन रीजन के ऊपर जहां मानसून हवाएं नहीं पहुंचती। तो ये मानसून जोन के ऊपर नहीं आते इलाके, बाकी ये इलाके जो है मानसून जोन के अंदर ही आते हैं, ये वाले जहां जहां हरा पैच है। तो ओवरऑल जो था पाकिस्तान में रेन एक्टिविटी ये मॉडल शो कर रहा था। अब जो नया मॉडल आएगा उसके बारे में आप लोगों को मजीद गाइड करूंगा। अब बात करते हैं खलीजे बंगाल में बनने वाले समुद्री जो लो प्रेशर बनेगा वहां पे, तो उसका ट्रैक क्या हो सकता है। तो केपी से आप लोग जो है खफा होते हो कि हमारे यहाँ का मौसम नहीं बताते, तो आज जो है केपी के अंदर जो है मैदानी इलाकों में जो है मौसम गर्म होगा। ताहम सवात, कोहिस्तान, एबटाबाद, बुनियर, करम, वजीरिस्तान के ऊपर आप लोगों को जो है गरज चमक के साथ बारिश देखने को मिल सकती है। और केपी के बारे में आप लोगों को मैंने दिखा भी दिया कि केपी के ऊपर जो है खासतौर पर अगस्त के महीने में काफी अच्छी रेनफॉल होती है। तो जो खलीज बंगाल में है तशकील पाने वाला लो प्रेशर है, ये पहले एज अ लो प्रेशर बनेगा, सॉरी सर्कुलेशन बनेगी, फिर लो प्रेशर में कन्वर्ट होगा, फिर उम्मीद है कि ये वेल मार्क लो प्रेशर तक जाए। जबकि अगर आप लोग मॉडल देख रहे हो तो ओवरऑल मॉडल ये शो कर रहे हैं कि ओवरऑल पाकिस्तान में जो है काफी अच्छी रेनफॉल के चांसेस हैं। इसमें अगर आप लोग देखें तो ECMWF मॉडल सबसे पहले आप लोग देखो, तो ये प्रेशर जो है तकरीबन 991 MB, यानी कि एज अ लो प्रेशर अगर ये पाकिस्तान के ऊपर एंटर करता है तो इससे जो है ओवरऑल पाकिस्तान में काफी अच्छे रेनफॉल के चांसेस हैं। खुसूसन कराची के कॉन्टेक्स्ट में आप लोग देखो तो कराची में भी आप लोगों को ये सर्कल के एरिया के ऊपर ग्रीन कलर के साथ ये येलो पैच दिख रहा है। तो GFS मॉडल भी जो है कुछ इसी तरह का दिखा रहा है। तो इसका ट्रैक जो है ज्यादातर तो यही लगता है कि ये जुनूबी पंजाब और बलाइस्तान के रास्तों से एंटर करे। अगर ये सिस्टम का ट्रैक होता है और ये जिस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है ना, तो अगर ये रोटेट इस तरह से कर रहा है और कराची को भी अफेक्ट कर रहा है, तो कराची के ऊपर जो है 4 से 7 इस डेट्स के ऊपर जो है वेरिएशन रह सकती है। याद रखिएगा, वो आने वाले दिनों में और आइडिया हो जाएगा कि कब तक जो है रेन एक्टिविटी देखने को मिल सकती है, आया ये 5 से 6 या 5 से 7। तो मॉडल जो है काफी एग्रेसिव दिखा रहे हैं इस सिस्टम को। बाकी अब जो आने वाले दिनों में वीडियो होंगी वो इसी सिस्टम से ही रिलेटेड आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि मॉडल काफी अच्छा शो कर रहे हैं। और कराची में जो है अगले 3 दिन तक जो है मौसम जो है वो सी क्लाउड होंगे और बूंदाबांदी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। ह्यूमिडिटी जो होगी वो काफी हद तक ज्यादा होगी कराची में, 70%। और जो ह्यूमिडिटी की नॉर्मल वैल्यूज होती है उसमें मैंने आप लोगों को पहले बहुत पहले गाइड किया था, 45 से लेकर 55 तक अगर होती है तो कराची वाले जो होते हैं कंफर्ट जोन में रहते हैं। इवन सांस के मरीज वगैरह जो होते हैं, सांस के मरीज, अस्थमा वगैरह के लोग, वो अगर इससे कम भी हो जाती है तो भी प्रॉब्लम में आते हैं, इससे ज्यादा हो जाती है तो भी प्रॉब्लम में आते हैं। तो जो भी अपडेट होगी इस सिस्टम से रिलेटेड, लो प्रेशर से रिलेटेड, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखिएगा और कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।